गुरु चरण में अनंत दंडवत नति ज्ञापन करते हुए सभा में उपस्थित सभापति महोदय, राधा श्याम सुंदर मंदिर का वर्तमान आचार्य और पूजनीय सब चिदंजी पादगण की जय, और सन्यासी मंडली, ब्रह्मचारी, सत्य मंडली, मातृ मंडली सबके के चरण में मेरा हार्दिक दंडवत नति ज्ञापन करते हुए श्रील महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ बाघ पुष्पांजलि देने का प्रयत्न करें। वंदे गुरुपद दंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपासिन्धुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधव वृंदावन तुलसीदेव वैपिया वै केशवस्य स्वभक्तिपद देवी सत्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। विजित ऋषि को वायु विरदंत मुनो स्थुरगम जय यजतंती अंत मति लोलुम पाय खिद व्यसन सतामृत सम वहाय गुरु चरणम बनिजय वाय संत कृत कर्ण धरा जलधौ। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने के लिए जो लोग गौड़ीय मठ का आश्रित परिचय में अपने को परिचय देना चाहता है ये लोगों का साथ वास्तविक पक्ष है, गौड़ीय मठ का कोई संबंध नहीं है। शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जी ने बताए हैं जो लोग अपराकृत दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने के लिए असद व्यवहार करने के लिए गौड़ीय मठ का आश्रित बोल के परिचय देता है वे लोगों का साथ वास्तविक पक्ष गौड़ीय मठ का कोई संबंध नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए गुरु सुशोषणम नाम सर्वधर्म तमोत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्मो पवित्रम धर्मो न विद्यते। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए गुरु सेवा छोड़कर इतना मंगलजनक सेवा इतना मंगलजनक व्यवस्था कुछ नहीं है जगत में। सदगुरु वैष्णव का सेवा छोड़कर बाकी जो सेवा है दुनिया में सारे माया का सेवा है। अपराकृत गुरु वैष्णव का चरण का सहारा लेने का मतलब 100% सबमिशन शुड बी देयर। 107% यदि आत्मनिवेदन सिद्ध नहीं हुआ तो गुरु चरण में आश्रय का जो प्रक्रिया है दीक्षा का जो प्रोसीड्योर है
ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये असंभव है। इसी के कारण अक्सर बहुपद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते थे जब दिव्य ज्ञान प्राप्ति और दीक्षा का बहाना दोनों एक चीज नहीं है। दिव्य ज्ञान का प्राप्ति और दीक्षा लेने का बहाना ये दोनों एक चीज नहीं है। अगर दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो दीक्षा का प्रोसीड्योर कंप्लीट नहीं हुआ, या तो हो सकता है कि सरासर गलत हुआ है, उल्टा हुआ है। दिव्य ज्ञान का मिसयूज कैसे होता है महाराज, हमको समझ में नहीं आता। एक सौ में इफ नॉट मोर 99% पॉसिबिलिटी है या हम अपना दिव्य ज्ञान का मिसयूज करें। वास्तविक कथा तो ये है, अगर दिव्य ज्ञान वास्तविक हृदय में प्रकट हुआ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो मिसयूज करने का कोई सवाल ही नहीं है, वो मिसयूज नहीं करेगा। क्योंकि एक वास्तव गुरु सेवक जो है वो गुरु ही है, एक वास्तव गुरु सेवक जो है वो गुरु छोड़कर कुछ नहीं है। क्योंकि गुरुदेव जो भूमिका में विचरण करते हैं, अगर सेवक वास्तव सेवक अगर उस भूमिका में ना जाए तो गुरु का सेवा वास्तविक होता नहीं। ऐसे तो हम लोगों को गुरुदेव सेवा का सुयोग देता है, करो चेष्टा करो। वास्तविक पक्ष में जब तक शिष्य सेवा करते करते उस भूमिका में उन्नीत नहीं हुआ, यू विल हैव टू गो अप टू दैट लेवल। गुरुदेव जो लेवल में है, जो ट्रांसेंडेंटल अपराकृत भूमिका में है, अगर हम खुद अपराकृत भूमिका में ना पहुँचे तो हमने गुरु सेवा कर लिया, इट इज़ क्वाइट एब्सर्ड, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि गुरुदेव मेरे को चांस दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, सुजोग दिया है कि करते चलो, टुडे और टुमोरो यू कैन डेवलप क्वालिटी, देन आई कैन एक्चुअली एक्सेप्ट योर सेवा, नॉट टुडे, नॉट पॉसिबल। दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने वाले हमारा मापिक 99% आदमी है, इफ नॉट मोर, एक्सक्यूज मी। दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा बहाना लेकर, वो दिव्य ज्ञान का लेकर हम पूरा समाज संसार को पूरा उल्टा रास्ता में ले जाए। इसीलिए भोपा जी ने बार बार बताया, इन द नेम ऑफ हरी कथा एंड हरि भजन, इन द नेम ऑफ हरी कथा एंड हरि भजन, दोज आर मिसगाइडिंग पीपल, वी कॉमन पीपल सो फुलिश, वी वॉन्ट टू बी चीटेड बाई देम, दैट्स वाई वी आर चीटेड। हम लोग इतना मूर्ख है, इतना बोका है, हम खुद चीटेड होना चाहता है, हमको ठगो, इसलिए हमको कुछ नहीं मिलता। वास्तविक पक्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपनिषद के एक श्लोक का सुंदर, जस्सो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सही ते कथिताई हर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, श्री सरस्वती ठाकुर इस श्लोक का व्याख्या करने जाए तो बार बार ये बात व्याख्या करते थे, उठाते थे, यस्सो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। देव परदेव था भगवान श्री कृष्ण, हमारा इष्ट देव, इनके चरण में मेरा जितना भक्ति रहे, द क्वालिटी ऑफ माई भक्ति बट आई एम गोइंग टू शो और आई एम डूइंग भक्ति, शो मीन एग्जीबिशन, नॉट दैट एक्चुअली। तो गुरु चरण में जितना भक्ति है और इष्टदेव का चरण में जितना भक्ति है, यशो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये जो पराभक्ति, ये शब्दों को भोपाल जी व्याख्या करते थे, इसका मतलब है पराभक्ति, यशोदेव पराभक्ति, निष्किंचना भक्ति।
पराभक्ति, इसका प्रभुपाद जी बोलते थे, इसका मतलब है, पराभक्ति का मतलब है अकिंचना भक्ति। अकिंचना भक्ति जब तक आप लोगों का अंदर में, हमारा अंदर में ना आए, तब तक वास्तविक हरिभजन, हरि कथा सुनना, हरि भजन करना, हरि कथा बोलना, गुरुदेव का सेवा करना, सारे सम सॉर्ट ऑफ यू नो इल्यूजन, एक माया जैसा हो जाता, टोटल थोड़ा माया का टच रह जाता है, ये उचित नहीं है। पोपा जी ने इसका व्याख्या करते थे, बोलते थे जैसे सिसिलो रूपो गोस्वामी पाद जैसे बोलते थे, अन्याभिलाषित संयम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, जस्ट एग्जैक्ट द सेम थिंग। पोपा जी बोलते थे जसोदेव पराभक्ति, ये पराभक्ति जो है ये रूपो गोस्वामी पाद का जो दिखाया हुआ जो रास्ता है, अन्याभिलाषित संयम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, जस्ट सेम थिंग। यही बात को ध्यान देना चाहिए। और यह एक क्वेश्चन है विश्वनाथ चक्रवर्ती सुंदर व्याख्या की, अच्छा महाराज अन्नाभिलाषित शून्यम, अन्नाभिलाष शून्यम ये बोलना जरूरी था, हमारा अन्नाभिलाष नहीं है तो अन्नाभिलाषित शून्यम ये बोलने का क्या दरकार है, अन्नाभिलाष शून्यम बोल दो, ये तो स्ट्रेट है, अन्नाभिलाषित शून्यम ये बोलने का तो दरकार नहीं। बोला हाँ जरूरत है, तुम समझोगे नहीं, इसका पीछे में गूढ़ रहस्य है। अन्याभिलाषित शून्यम ये शब्द यूज कर गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी अन्याभिलाष का जरा सा भी गंदगी है, थोड़ा स्मेल है, अन्याभिलाष नहीं है उसका स्मेल है, उसको भी हृदय से इरेस करने का, इरेस जस्ट टू इरेस करने का ये एडवाइस किया। इसीलिए बोला अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब है हमारा अंदर में ज्ञान का प्रभाव, कर्म का प्रभाव अक्सर रहता है, ये सतो रहता है अनंत काल, ब्रह्मांड भ्रमित को नो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये सतो सिद्ध है। अनंत काल से जीव अनंत ब्रह्मांड भ्रमण करते करते उसका जो दिल में जो विषय का एक जो गंदगी है, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ऐसा सुंदर बताया, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसके बाद बहुत सारी चीज़ है, बोलने का टाइम भी नहीं है। तो इसमें एक कहना है, रूपोगोस्वामी पाद जी का कहने का मतलब है अन्नाभिलाष का गंदगी भी नहीं रहे और ज्ञान और कर्म का भी कोई प्रभाव, कोई रिएक्शन ना रहे, उसका कसाय भी ना रहे, बिल्कुल ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। पहले बोला अन्नाभिलाषित शून्यम और बाद में बोला अनावृतम, इसका मतलब क्या, मैंने जो बोलोगे एक ही बोलो। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता का सुंदर उपदेश किया, अर्जुन बीच में खड़ा होकर बोलते हैं क्या बोलते हो, कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो, किसी एक को बताओ, एक बताओ, तदेकवतम निश्चिंत, एक एक बताओ, तद एकम बताओ निश्चितम, एक बताओ, कभी कर्मजोग बोल रहे हो, कभी ज्ञानजोग बोल रहे हो, कभी ध्यानजोग बोल रहे हो, कभी राजगोजोग बोल रहे हो, तो आई एम जस्ट कन्फ्यूज हाउ टू फॉलो यू। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं देखो ये सब तो हम इसलिए बताया कि जगत में बहुत सारे क्वालिटी का आदमी हैं, अकॉर्डिंग टू दियर लेवल जीवात्मा कैन एक्सेप्ट माई एडवाइस, नॉट दैट श्रील सागर गोस्वामी महाराज जी इधर विचरण करते थे, हमको क्षमा करना, हमको पता नहीं, जिसका दिल में ये सच्चा भाव है कि हमने सागर गोस्वामी महाराज को देखा है, कौन बोल सकता है भागवत छोकर जो हमने श्रील सागर गोस्वामी महाराज को देखा है। बोले महाराज ये अजीब सा क्वेश्चन कर दिया, सागर माई इधर रहते थे हम लोग देखे हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ दर्शन, हम वो काइंड वैसा मापिक दर्शन का बात नहीं बोला, हम बोला जिसका पास श्री सागर गोस्वामी महाराज प्रसन्न होकर
अपना दिल को उन्मोचन किया कि सी, देख मेरा हृदय, देख मेरे हृदय में क्या है, चाहता है तू ये संपत्ति मेरा हृदय में जो है, मेरा हृदय में जो संपत्ति है तू चाहता है कि नहीं, ना कि उल्टा रास्ता में जाना था, क्या चाहता है बोल। मैं इस किस्म का दर्शन का बात बोल रहा हूँ। सागर गोस्वामी महाराज का पास हजारों लाखों आदमी आ सकता है, दैट इज नॉट एक्चुअल दर्शन। गुरु वैष्णव सत्प्रकाश वस्तु इनके कृपा के द्वारा मेरा अगर जरा सा भी वास्तव दर्शन हुआ होगा तो ये ठाकुर जी जानता है, महाराज जानता है। हम अहंकार प्रकाश करके ये नहीं बोल सकता कि हमने सागर महाराज को देख लिया, इट इज़ वन काइंड ऑफ वैनिटी, ये उचित नहीं है। भक्ति राज्य में किसी काइंड का अभिमान नहीं चलता। इसीलिए महाराज जी अगर अपना हृदय को मेरा सामने उन्मोचन किया होगा तो जरूर महाराज का हृदय का जो अपराकित सौंदर्य का एक झांकी मेरे को दर्शन किया होगा, हमने दर्शन किया होगा, हो सकता है। ये गारंटी हम नहीं सकते, ये तो अहंकार होगा। जो भी है, ऐसा माफिक महात्मा जो है, इनके जो गुरु सेवा, इनके जो डेडिकेशन, इसका जो सिद्धांत तो विचार, ये इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। श्रीला महाराज जी का जो सूक्ष्म विचार है हृदय का, इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बाहरी दृष्टि में देखने में एक प्लेन सादा सीधा आदमी है, लेकिन इतना ऊंचा किस्म का महात्मा हमने जितने के खूब कम देखा। ऐसा संत महात्मा मेरे को कृपा करने के लिए उदय हुआ, ये जो उदित हुआ है जगत में, हो सकता जो भी है। तो जो भी है, ये अनाभिलाषित शून्यम बोल दिया, अब बाद में ज्ञान कर्मादि अनावृतम ये बोला, इसका माने क्या है? यहाँ शून्यम बोला, यहाँ भी शून्यम बोल सकता, ज्ञान कर्मादि शून्यम बोल दे, बोले नहीं, इसका पीछे में रहस्य है। रहस्य ये है, ज्ञान और कर्म, बाहरी दृष्टि में कर्म और भक्ति देखने में ऑलमोस्ट सेम। यहाँ हमारा पुजारी पूजा करता है, रसिया रसोई करता है, बाहरी दृष्टि में दे आर डूइंग ऑल सेम जॉब, एक ही सेवा करता है। लेकिन कैसे हम समझे कि रसोई जो करता है, दोपहर का रसोई जो करता है उसका भक्ति हो रहा है, और शाम को जो रसोई करता है उसका भक्ति नहीं होता है? ये हो सकता है, क्योंकि उसका जो हृदय क्या, जैसे हम गीता में बोला, जे जो जो आदमी जैसा स्टेज में है, इसी भाव का अनुसार गुरु वैष्णव सप्रकाश वस्तु अपने को दर्शन देता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हमने इतना सारे बताया, लेकिन क्यों बताया? क्योंकि इतना सारे क्वालिटी है आदमी का, कौन किस में फंस जाए, कौन किसका पता, किसी को ज्ञान योग में सिद्धि मिला, किसी को ध्यान योग में सिद्धि मिला, किसी को कर्म योग में, हो सकता। लेकिन फाइनल आउटकम क्या है? फाइनल आउटकम 12 अध्याय का जो भक्ति योग है, ये फाइनल है। इसका बाद जो बाकी जो कथा है वो तो है ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अंतिम में बोला है, समस्त कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, बाकी सब छोड़ दो, जो बोला जो नहीं बोला सब छोड़ो। अभी मैं फाइनल कंक्लूजन हमारा है, जब हमारा चरण में तुम आ जाओ, अनन्य शरणागत हो जाओ, और तुम्हारा तुमको हम जो करने का हम रक्षा करें, सब कुछ करने का हम करें। गुरु जी भी, गुरु जी का चरण में अगर हमारा शरणागत सिद्ध है तो गुरु जी हमारा सामने अपरागी जगत का जितना सारे रहस्य है, जितना तत्व सिद्धांत है, विचार है, सारे उन्मोचन कर देगा। नहीं तो गुरु जी मेरा सामने, इसलिए स्निग्ध शिष्य कौन है? कौन स्निग्ध शिष्य? स्निग्ध का अंग्रेजी में सोवर बोलो तो होता नहीं। जैसे हम बोला फिलोसॉफी दर्शन, हमारा गौड़ीय दर्शन में जो दर्शन बोलता है, अंग्रेजी में अगर बोलो फिलोसॉफी, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो लोगों जगह फिलोसॉफी जितना माने उसका जो आइडिया है, हमारा जो दर्शन ये एक नहीं है। ये इसका बारे में बाद में चर्चा करें, अभी बात ये है कि जब तक स्निग्ध शिष्य गुरु जी का चरण में शरणागत 100% ना हो जाए,
इसलिए भागवत में बोला है स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुज्जमपि उतो। गुरुजी का सामने इतना गुप्त रहस्य है जो सबको ही का सामने आम आदमी का सामने खोलना नहीं चाहता। इतने संपत्ति है हृदय में, इसलिए भागवत ने भगवान बोला है देखो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुज्जमपि उतो। स्निग्ध शिष्यों का सामने गुरुजी अपना अंतर जगत का जो रहस्य है सारे उन्मोचन कर देते हैं। अब कैसे समझे कि ये स्निग्ध शिष्य है ये नहीं है, ये तो बताओ महाराज क्या सिम्टम है, क्या क्वालिटीज है, कैसे हम समझे है कि ये स्निग्ध शिष्य है वो नहीं है, कैसे इसका पहचान क्या है। पोपा जी ने बताया कि स्निग्ध शिष्यों का पहचान आपका सामने आ जाएगा अगर आप सिंसियर है, अगर आपका दिखा वास्तविक हुआ है, आप सिंसियर हो तो आपका आंखें आपका आंखें खुल जाएगा, आप देखने से ही पता चलेगा ये स्निग्ध शिष्य नहीं है, ये स्निग्ध शिष्य नहीं है, ये स्निग्ध शिष्य है। कैसे पता चलेगा, बोला स्निग्ध शिष्य का पहचान क्या है। पोपा जी बोलते हैं देखो जिसका हृदय में गुरु जी का जितना सारे सिद्धांत है, विचार है, रहस्य है, जितना सारे सब कुछ रहस्य है सारे जिसका सामने उन्मोचन कर देता है, खुला 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 रख देता है, अर्थात गुरुजी का जिंदगी में जितना सारे आदर्श, जितना सारे विचार सिद्धांत तो है, इफ यू कैन फाइंड इन अप्लाइड फॉर्म इन प्रेजेंट आचार्य देन यू कैन थिंक दैट ही इज सोवर पर्सनैलिटी, सोवर शिष्य, समझा मेरे स्निग्ध शिष्य। यदि वर्तमान आचार्य के हृदय में गुरुजी का जितना तरह गुप्त रहस्य है, विचार है, सिद्धांत है, रसाभास है, ये हम नहीं चाहता, ये चाहता है, सारे अगर वर्तमान आचार्य के हृदय में खुल जाए तो ये समझ लो कि इसका स्निग्ध शिष्य ये टाइटल दिया जाएगा, नहीं तो दिया नहीं जाएगा, बड़ा गुप्त सिद्धांत है। तो अनाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसलिए बोला है ज्ञान एवं कर्म अगर भक्ति का अनुकूल है, अगर कोई वास्तविक शिष्य गुरु जी का अनुमोदन लेके गौड़ीय वेदांत तो चर्चा करना चाहता है, गुरु वैष्णव का अनुगत्य, ये माना नहीं है, इसमें माना नहीं है। तो ज्ञान एवं कर्मों बाहरी दृष्टि में, बाहरी दुनिया का जो ज्ञान एवं कर्मों का साथ, इट सीम्स ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट दैट, ये अगर भक्ति का अनुकूल हो इट इज एक्सेप्टेबल, इसका जो परमिशन है, इसके जो प्रोविजन है, इसको रखने के लिए रूप गोस्वामी पद इतना क्लेवर है, इसलिए अन्याभिलाषा सुन्नम बोला है, लेकिन ज्ञान कर्मादि अनावृतम बोला है, अनावृतम मतलब अनवयन, ज्ञान कर्मादि सुन्नम बोला नहीं, ज्ञान कर्मादि चाहिए, ज्ञान कर्मो दोनों रहेगा, ये मठ में, मंदिर में, भजन में, लेकिन इट शुड नॉट बी लाइक मायावादी। और मायावादी लोग जो गुरु वैष्णव का पूजा करता है, ऐसा भाभी मापी हमारा हृदय कलुषित होके रहे तो हमारा गुरु पूजा होगा नहीं। मायावादी हमसे भी ज्यादा एंथुसियास्टिक वे गुरु पूजा करता है, लेकिन उसका गुरु पूजा में कपटता है, वो वास्तविक गुरु का नित्य स्वरूप को नहीं मानता। भक्ति, भक्तो, भगवान, ये तीनों का स्वरूप एक प्लेटफॉर्म में है नित्य जगत में। जब तक ये बुद्धि नहीं है तब तक उसका मायावादी विचार दोष में दूषित है। इसलिए पहले जो हरिकथा था उधर मंत्र में हमने बोला था, ये जगत में हम जो भक्ति करने के लिए आया है, पोपा जी ने अक्सर बताते थे हम लोगों का हृदय मोर और लेस मायावाद विचार के द्वारा थोड़ा दूषित होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा 100% विश्वास नहीं है गुरु वैष्णव में। जब तक 100% विश्वास, 100 मतलब समझो कि 98% विश्वास है, लेकिन वो जो 2% जो अविश्वास है इसको मायावादी स्पर्श है। वो बात बोलते हैं ये हमारा हृदय मायावाद विचार में मोर और लेस नुनाधिक दूषित होके पड़ा हुआ है। इस अवस्था में जब तक 100% गुरु वैष्णव में विश्वास, अनन्य विश्वास नहीं होता तो गुरु पूजा 100% परफेक्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आलो गुरु पूजा में मत आओ, गुरु पूजा में आओ, जरूर आओ, हरिकथा सुनो, सत्संग करो, लेकिन वास्तव गुरु का स्वरूप का उद्बोधन तुम्हारा हृदय में हो जाए, आप लोगों का हृदय में, हमारा हृदय में, तो गुरु पूजा आज सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मायावादी का हृदय में प्रतिष्ठा सा वो बाहरी दुनिया का आंखों के सामने पर्दा डाल के
अंतर में हर्वदा जशी संग करता है। मायावादी बाहरी विचार में इतना ऊंचा किस्म का उसका आदर्श है, मायावादी का जिंदगी करेक्टर देखोगे बोला ऐसा करोगे तुम, बोले वाह कैसा सुंदर करेक्टर है महाराज, कितना सुंदर है। लेकिन एक चोर को जितना भी गुप छुपके रहे पुलिस का जो लीडर है उसको पकड़ सकता है। इसलिए प्रभुपाद का सामने कितना भी चालाकी करो कोई चालाकी बच नहीं सकता। प्रभुपाद उसको अरेस्ट करते थे। प्रभुपाद बोलते हाँ मायावादी लोगों का जो जिंदगी है इसमें उसका इतना ऊंचा आदर्श है आइडियलिज्म करेक्टर कि मानोगे आपका इच्छा होगा महाराज गोड़िया मठ में तो इतना तो अच्छा है महाराज आप क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोले महाराज यही तो धोखाबाजी है, वो असत्संग त्याग वैष्णव आचार ये हमने देखा है शिला महाराज जी का कृपा के द्वारा सागर महाराज जी के जिंदगी में, शिला सागर महाराज जी के जिंदगी में इन अप्लाइड फॉर्म, शिला सागर गोस्वामी महाराज जी के जिंदगी में इन अप्लाइड फॉर्म आई हैव सीन दिस श्लोक अप्लाइड फॉर्म। और बाकी हमारा तो हिम्मत नहीं है हम बोल नहीं सकता कुछ, बाकी प्रभुपाद जी बोलता है देखो ये मायावादी लोग जो विचार इतना ऊंचा है इतना आदर्श दिखाता है इतना करेक्टर ऊंचा है लेकिन जान के रखना ये लोग सबसे बड़ा चोर है। बोले क्यों, बोले ये लोग प्रतिष्ठा रूपी जो जोशी है बाहरी दृष्टि में मैया लोगों का स्त्री संग नहीं करता है, बाहरी दृष्टि में वो मैया लोगों का संग नहीं करता है, बहुत कंट्रोल्ड देयर कैरेक्टर इज सो कंट्रोल्ड यू कैन बी इन इल्यूजन, मुश्किल हो जाएगा आपको। तो इधर बताया वो बात बताते हैं ये प्रतिष्ठा रूपी जो जोशित है हम ब्रह्म हो जाएंगे, ये जोशित संग उसको कीड़े का मापी उसका हृदय का खा लिया, बट यू आर ब्लाइंड यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ये सबसे बड़ा धोखाबाजी है। तो हमारा अंदर में भी अगर हम मायावादी है कौन है हम जानता नहीं, अगर है तो आपका सामने धोखाबाजी करने का तो हमारा उचित नहीं है, अगर किया है तो हमको क्षमा कर लेना, नहीं करना चाहिए हमको। और शिला सागर महाराज जी के चरण में मेरा ये विनती है हमको सही मार्ग में चलने का शक्ति दान करें कि हम ये आचार्य लोगों का जो प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य लोगों का एग्जैक्टली चाहे हमको पूरा दुनिया हमको छोड़ दे छोड़ दो उसको, हम कुछ दिन पहले इंटरनेट छोड़ा है कुछ कारण था, इफ होल वर्ल्ड गोइंग टू लिव मी स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू लिव प्रभुपाद, पूरा दुनिया अगर हमको छोड़ दे हम प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ेंगे। और जीव गोस्वामी बात और बलदेव विद्याभूषण विशेष करके ये बात को बार बार बताते थे जे गुरु परंपरा विशुद्ध होना चाहिए, आवर गुरु परंपरा शुड बी वेरी परफेक्ट एंड नीट एंड क्लीन, अदरवाइज कंटेमिनेशन हो जाएगा। बलदेव विद्याभूषण बार बार ये बात बताया, जहाँ भी व्याख्या वेदांत तो का व्याख्या करने जाए और दूसरा भी गुण तो है उसमें पहले लिखा है जो गुरु परंपरा शुद्ध भी प्योर वास्तविक उसमें ही कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर कंटामिनेशन रहे तो मेरा फ्यूचर जनरेशन जैसा है वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा मेरा दुख है, मेरा जिंदगी में कोई दुख नहीं है भागवत छो के हम बोल सकता है, मेरा जिंदगी में एक ही दुख है इसके लिए मैं रोता हूँ कि हमारा संप्रदाय में शुद्धता रहे, ये अगर नहीं रहे तो बहुत सर्वनाश तो आ पहुँचा और फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। इसलिए आप लोगों का चरण में ये विनती है थोड़ा सा भक्ति करें लेकिन वास्तव भक्ति करें, उसमें कोई कोई बनावटी ना रहे, ऐसा बोल के इधर ही समाप्त करें क्योंकि बहुत सारे वैष्णव हैं हम बोलते चले तो उचित नहीं है, ये तो एडासिटी है। बांचा कल्पतरु से कृपा सिंधु बचो पतितानं पावन भविष्य भ्यो नमो नमः।